खबर आप तक पहुंचा दे, चीन से है जहां पर उसने इसराइल और हिजबुल्ला में चल रहे घमासान के बीच अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या एडवाइजरी है, जानकारी आप तक पहुंचा दे। उन्हें तुरंत इसराइल छोड़ने को कहा है, जो इस बात का सीधा सीधा इशारा करता है कि हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। चीन ने अपने चीनी नागरिकों को तुरंत इसराइल से ये जारी यहां पर एडवाइजरी में कहा है कि जो टेंशन यहां पर बढ़ रही है इसराइल और लेबनान के बीच, ऐसे में चीन ने अपने नागरिकों के लिए खास हिदायत दी है कि इसराइल छोड़ दिया जाए उनके जरिए फौरन। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, लेबनान से जहां इसराइल की सेना ने आईडीएफ ने जबरदस्त हमला बोल दिया। इसराइल की सेना ने बताया कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी वहां जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। तस्वीर आपके सामने देखिए, कितने जोरदार और खौफनाक ये धमाके हैं कि काफी दूर से ही इनका धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। उधर लेबनान की मीडिया ने भी इन धमाकों की, जो इस वक्त आप इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं, इसकी पुष्टि कर दी है। धमाके की ये खौफनाक गूंज दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक गूंजी। और ये खौफनाक हमले एक के बाद एक लगातार लेबनान पर इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्ला को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इजरायली सेना के इस बड़े हमले की कुछ खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, काले धुएं का ये गुब्बार जो आसमान इस वक्त छू रहा है, जिसमें एक रॉकेट एक मकान पर गिरते हुए देखिए आपको दिखाई भी देगा। और ये हमला कितना ज्यादा भयानक था उसका अंदाजा इस वीडियो के जरिए आप लगा सकते हैं। एक ही झटके में, एक ही पल में एक रॉकेट ने इस इमारत को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया, तबाही के मंजर में तब्दील कर दिया। इसराइल ने जो कहा था वो उसे पूरा कर रहा है। हिजबुल्ला पर आईडीएफ का ये खौफनाक हमला देखे किस तरह से यहां पर सामने आया। तीन तस्वीरें, लेबनान पर बहुत बड़ा हमला एक के बाद एक, हिजबुल्ला पर अटैक के बाद जो खात्मे हो रहे हैं उसकी तस्वीर भी। और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं क्योंकि इसराइल की ताकत अब पूरी तरह से यहां सामने आ गई है, जो एक और विश्व युद्ध की तरफ भी इशारा यहां पर करता हुआ नजर आता है। खासतौर से सिनवार के खात्मे को लेकर मोसाद को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर ये खबर कितनी पुख्ता है कि अब यह सिनवार ढेर हो चुका है। तो ये तीन तस्वीरें जो बताने के लिए काफी है, जो युद्ध यहां पर शुरू किया गया था इसराइल किसे उसे अंजाम तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इसराइल ने यह बात शुरुआत में ही कह दी थी कि खात्मा तो उसी की तरफ से किया जाएगा, पूरी तरह से वो हिजबुल्ला को उखाड़ फेंकेगा। और यही वजह है कि अब मोसाद खुफिया एजेंसी, सबसे शातिर खुफिया एजेंसी को ये जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है कि वो हर कीमत पर ये पता लगाए कि याह्या सिनवार क्या वाकई अब मौत के घाट उतारा जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से अब तक वो सामने नहीं आया है, उसकी कोई खबर सामने नहीं आई है, क्या वाकई अब वो भी खात्मे की तरफ बढ़ चुका है या फिर उसका खात्मा हो चुका है। इसराइल और लेबनान के बीच जंग का यह मोर्चा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का बहुत बड़ा गुब्बार फूट सकता है, क्योंकि इसराइल पर हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के बाद अब बेन्यामिन नेतन्याहू ने डायरेक्ट वार्निंग यहां पर जारी कर दी है। हिजबुल्ला के पलटवार से दिल मिलाया इसराइल, नेतन्याहू की हिजबुल्ला को सीधी धमकी। अपनी करतूतों का अंजाम भुगतने का हिजबुल्ला, इसराइल और लेबनान के बीच तनाव की लहर अब इस कदर भयानक रूप ले चुकी है, शहर के शहर इस बारूद की लहर में समा सकते हैं। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा
रॉकेट हमलों के बाद हालात भयंकर रूप ले चुके हैं। इजराइल के उत्तरी इलाके में हुए इन रॉकेट हमलों में सैन हवाई अड्डों को टारगेट किया गया। हाइफा शहर में हुआ यह हमला इतना भयानक था कि इस हमले में इजराइल की कई इमारतें ध्वस्त हो गई और कई कारों में आग लग गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक उत्तरी इसराइल में रमत डेविड एयरबेस को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया गया। रमत डेविड बेस जायुनी यूनिट के 3 मेन एयरबेस में से एक है, जिसका लेबनान और सीरिया के लिए रणनीतिक महत्व है। ये बेस हाइफा तिब्रेत एक्सिस पर स्थित है। लड़ाकू और जासूसी विमान यहीं से उड़ान भरते हैं। इसके चारों तरफ एडवांस मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। हिजबुल्ला के इन हमलों ने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के गुस्से को सातवें आसमान पर ला दिया है और अब इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला को दी गई धमकी तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को उन हमलों की याद दिलाने की कोशिश की है जिन हमलों ने महज कुछ मिनटों के भीतर लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון. בנג'מין נתניהו נה אפנה מסג' מן סאף כר דיה היא כי אגר חיזבאללה פורנה המלו סה סבק נהי לטה, तो उसे इसराइल पर हमलों की इतनी भारी कीमत चुकानी होगी कि लेबनान से हिजबुल्ला के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। उसका ट्रेलर इस वीडियो में देखा जा सकता है। हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में इसराइल की वायुसेना ने गाजा स्ट्रिप पर धुआंधार बमबारी कर दी। इसराइल की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्ला के सहयोगी हमास को टारगेट करने के लिए ये हमला किया गया है। इसराइल की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये हमला उस स्कूल पर किया गया जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, यानी इसराइल की सेना हिजबुल्ला और उससे जुड़े किसी भी संगठन को तबाह करने की सौगंध खा चुकी है। היה השבוע קשה ביותר בתולדותיו של חיזבאללה ובמיוחד היממה האחרונה. הפעולה של צהל בדחיה רבת משמעות, רבת חשיבות ורבת עוצמה. इजराइल और लेबनान के बीच बेकाबू होते हालात पर अमेरिका की नजरें भी लगातार बनी हुए हैं। इसी सिलसिले में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन कर्बी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। हम पिछले लगभग एक हफ्ते से बढ़ रहे सभी तनावों को बड़ी चिंता के साथ देख रहे हैं। हम इसे पूर्ण युद्ध बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया के देशों की चिंता का केंद्र मिडिल ईस्ट के हालात हैं, क्योंकि यहां से उठा युद्ध का बवंडर किसी भी वक्त किसी देश को अपने जद में ले सकता है।